स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से पहले अपनी ताकत को मजबूत करेगी और मजबूत करने के बाद कोई ऐसा रास्ता बनाए। नेताजी का नाम रखेंगे आप प्रधानमंत्री के? बिल्कुल रखेंगे, पहले हम अपनी ताकत को मजबूत करेंगे और स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर से बेहतर फैसला लेंगे पार्टी। देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा है कि वो बेहतर समय के साथ फैसला लेंगे और लिया है और उसका परिणाम सामने है। और उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के मैदान से फिर मैं एक बार दोहराता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम समाजवादी पार्टी तमाम सहयोगी दलों के सहयोग से करेगी। शिवपाल विभीषण तो नहीं बन जाएंगे? समाजवादी पार्टी का उद्देश्य सामने है। बाकी इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है भाजपा के कई पार्टी कई टीमें बनेंगी, कोई बी बनेगा कोई सी बनेगा, आगे भी जाएंगी। कई पार्टियों की घोषणाएं आपने सुनी होंगी इस बीच, इसलिए हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। हम समाजवादी लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए भाजपा को हटाने में अपनी नीत नियत के साथ लगे। ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देश का ये परिवर्तन के लिए पद यात्रा निकाली है। किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की, महंगाई की, बेरोजगारी की, भुखमरी की, किसानों की आत्महत्या की, गन्ना किसानों को पेमेंट न होने की सारी समस्याओं को जन जागरण करते हुए पद यात्रा आई है कि ये माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या किया और ये मोदी और योगी की सरकार है, इन्होंने किसानों को कौन बात करके धोखा दिया।